नमस्कार, आप इवन बिहार देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में। अब जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते होंगे, पवन सिंह ठेला चलाते नजर आ जाते हैं। निरहुआ रिक्शा वाले के नाम से फेमस है और खेसारी लाल यादव तो भीख तक मांग देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग इतने ही के लायक हैं? जी नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा बेशुमार पैसा कमाते हैं और भारत में ही नहीं, अगर भारत से बाहर भी जाते हैं तो ये लोग सुपरस्टार बने रहते हैं। अब हम आपको बता दें कि आज के जमाने में ही देख लीजिए कि पवन सिंह के पास रेंज रोवर है, खेसारी लाल यादव के पास मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर है और रितेश पांडे के पास ऑडी है। लेकिन क्या जब ये बाहर जाते होंगे दुबई, तो क्या ये अपना ऑडी मर्सिडीज और रेंज रोवर लेके जाते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दुबई में इनकी रहिशी बड़ा ही शानदार और लाजवाब होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दें, ये लोग जब भी दुबई जाते हैं उस समय ये लोग बहुत वेल मेंटेन रहते हैं। मतलब पैसा तो डायरेक्टर का खूब ज्यादा लगता है, लेकिन इन लोगों के रईसी में भी कोई कमी नहीं आती है। 5-स्टार होटल में खाना खाना, 5-स्टार होटल में रहना और शूटिंग के लिए तगड़ा लोकेशन ढूंढना, सारा काम डायरेक्टर का रहता है। ये लोग बस रईसी करते हैं। बात करते हैं वहाँ पे कार से घूमने के बारे में। तो कार से घूमने में सबसे ज्यादा अगर पैसा उड़ाने वाला कोई शख्स है तो वो है पवन सिंह। खैर, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव जब भी दूसरे देश जाते हैं शूटिंग करने के लिए, तो उनका एक रुपया भी नहीं लगता है, ना रहने में, ना खाने में, ना घूमने में। खेसारी लाल यादव वहाँ पे मर्सिडीज, BMW जैसे महंगे गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, दुबई में ये बहुत आम है, ये आराम से वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी सुपरस्टार। लेकिन पैसा उतना ही लगता है ऑडी वाला ही। अब बात करते हैं जरा पवन सिंह के बारे में। देखिए, जब भी पवन सिंह दुबई जाते हैं तो उनकी मेंटेनेंस थोड़ा अलग लेवल की होती है। अब अलग लेवल में किस तरीके का? 5-स्टार होटल में ये रहते हैं, खाना भी बड़ा तगड़ा खाते हैं 5-स्टार होटल में, लेकिन इनके लिए फरारी, BMW और वोल्सवैगन जैसी महंगी गाड़ियां आती है तब ये शूटिंग लोकेशन पे जाते हैं। हाँ, पवन सिंह ने कभी ऐसा कहा नहीं कि मुझे ऐसी ऐसी गाड़ियां चाहिए, लेकिन पवन सिंह के डायरेक्टर जो है वो बड़ा ही दिल खुश इंसान है, क्योंकि पवन सिंह कोई भी फिल्म या फिर गाना लाते हैं तो बहुत ज्यादा वायरल कर देते हैं। अब पुदीना को ही देख लीजिए, किस तरीके से तहलका मचा रहा है। भले उसमें फरारी BMW पे ना बैठे हो, लेकिन ठेले पे बैठ के ही ऑडी खरीदने इतना पैसा तो उस गाने से जरूर कमा लिए होंगे। खैर, तो ये है दुबई का पूरा मस्ती। आप बताइए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसको ज्यादा पसंद करते हैं, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव को? हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इवन बिहार।